बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मायरा अमजद एंड आई वेलकम यू ऑल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ गोहर पब्लिशर्स। और मोटो इज टू रीडिफाइन द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, आज हम गोहर साइंस क्लास 5 का चैप्टर 2 वाइंड अप करेंगे और कुछ असेसमेंट करेंगे ताकि हमें पता चले हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चैप्टर से क्या सीखा है, हमारे कंसेप्ट्स कितने अच्छे बिल्डअप हुए हैं और अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में कितना जान गए हैं। जी तो स्टूडेंट्स, बुक के पेज नंबर 31 पर हमारे पास असेसमेंट है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स अगेंस्ट ईच लिखना है, लिविंग थिंग्स दैट कैन नॉट सर्वाइव बाय देमसेल्फ। क्या होते हैं वो? वायरसेस, आपको याद है ना, लिविंग थिंग्स दैट आर फाउंड एवरीवेयर। मैंने आपको बताया था ना 60% ऑफ लाइफ इज ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स दैट अब्सॉर्ब देयर फूड। कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो अपना फूड खुद नहीं बनाते थे बल्कि होस्ट से लेते थे? वो हैं फंजाई। इसी तरह डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पैथोजेंस। जब हमने जर्म्स को डिस्कस किया था साथ पैथोजेंस को भी डिस्कस किया था, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं वो पैथोजेंस होते हैं। चलें अब टिक द करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हाउ डू सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प ह्यूमंस? तो स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, आपने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं और हमारा फूड डाइजेस्ट करते हैं, तो इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, टू डाइजेस्ट फूड। मशरूम्स एंड बैक्टीरिया हेल्प कॉज अ फॉलन ट्री टू डिकम्पोज इन टू द सॉइल। व्हाट डू यू प्रिडिक्ट विल हैपन टू सॉइल? आपको याद है आपने पढ़ा था कि डिकम्पोजिशन हो रही थी जब एक फॉलन ट्री गिर जाता था, उसके ऊपर फंगस की कॉलोनीज बन जाती थी, तो क्या होता था? तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इट विल ग्रो न्यू प्लांट्स एज वेल। यस स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ना कि जब फंजाई की कॉलोनीज बनेंगी, इसको डिकम्पोज करेंगी, उसके बाद बैक्टीरियाज अपना काम शुरू करेंगी, उसको डिकम्पोज करेंगी और कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होगी और वहीं से न्यू प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे जब वो ट्री सॉइल का हिस्सा बन जाएगा। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मशरूम्स बिलोंग्स टू व्हाट क्लास? स्टूडेंट्स, आपको याद है ना, मशरूम्स क्या थी? एडिबल फंजाई, वो फंजाई जिनको हम खा सकते हैं। सो इसलिए सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन कॉज इन्फेक्शन इन ह्यूमंस? आपको याद है कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करते थे? वो बैक्टीरिया जो लिविंग थिंग्स पर डिपेंड करते थे, यानी कि वो बैक्टीरिया जो लिविंग थिंग्स के अंदर रहते थे और उनको डिस्ट्रॉय करते थे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, bacteria that depend on living things. Okay, which one is not an infectious disease? कौन सी disease है जो infection नहीं, infection की वजह से cause नहीं करती? तो आपको पता है cancer, क्योंकि हमने इस chapter के अंदर cancer को discuss नहीं किया। हमने COVID-19 के बारे में पढ़ा, pneumonia को देखा, flu को देखा, but cancer की बात नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो infection से नहीं फैलता। So C is the correct option. ओके स्टूडेंट, नाउ इन्वेस्टिगेट, हाउ कैन यू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम मेकिंग योर टीथ डिके? कैसे आप अपने दांतों के अंदर से बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिके करने से बचा सकते हैं? वी कैन प्रिवेंट टीथ बाय ब्रशिंग देम ट्वाइस अ डे। वी शुड नॉट ईट सच थिंग्स विच डैमेज योर टीथ लाइक कैंडीज, चॉकलेट्स। स्टूडेंट्स, आपकी मदर भी आपको मना करती होंगी ना कि बेटा कैंडी नहीं खानी, ब्रश दो दफ़ा करना है दिन में। वो इसीलिए करती हैं ताकि आपके टीथ में एक्युमुलेशन ना हो जाए और कोई इन्फेक्शन ना बन जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब से आपने दिन में दो दफ़ा ब्रश करना है और चॉकलेट और कैंडीज को कम खाना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिव शॉर्ट आंसर्स, Why are some bacteria and fungi called decomposers? क्यों कहते हैं इन्हें decomposers? हमने पढ़ा था ना अपने चैप्टर के अंदर कि ये ब्रेक डाउन करते हैं डेड बॉडीज की, एनिमल्स और प्लांट्स की, इस वजह से ये decomposers कहलाते हैं। What are microorganisms? तो आप तो जानते हैं ना microorganisms क्या होते हैं, टू स्मॉल टू सी देम, यानी कि बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स दैट आर टू स्मॉल टू सी देम। वी कैन यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी दिस टाइनी लिविंग
things. Okay, so next question is, what are pathogens or germs? Give two ways they enter the human body. हमने डिस्कस किया था अपने चैप्टर के अंदर, जहाँ भी हमने बैक्टीरिया को पढ़ा था वहाँ पे हमने जर्म्स और पैथोजेंस के बारे में पढ़ा था कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होके डिवाइड करने लग जाएं, ग्रो करने लग जाएं, वो जर्म्स होते हैं और पैथोजेंस होते हैं और वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं. इस वजह से हम इनको पैथोजेंस कहते हैं. सम स्मॉल एनिमल्स सच एज हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड कॉकरोच कैरी जर्म्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो इस वजह से हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. हाउ अ फंजाई यूजफुल टू अस, किस तरह से हम उससे फ़ायदेमंद हो सकते हैं. तो हमने पढ़ा था इसमें कि यीस्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है, जिससे हम नान, ब्रेड, बन और केक्स बनाते हैं. सम फंजाई सच एज मशरूम्स विच आर ईटन एज फूड, दे आर रिच इन प्रोटीन्स. तो आपको याद है ना जब हमने इनके बारे में पढ़ा था और हमने सोचा था कि किस तरह से ब्रेड बनती है, तो वहाँ पर हमने यीस्ट का जिक्र किया था. तो आपने इस आंसर में भी यीस्ट को लिखना है. नेम अ फ्यू वायरल डिजीजेज, यानी कि वो डिजीजेज जो वायरसेस से फैलती हैं. तो आपको याद है कि हमने पोलियो की बात की थी, COVID-19 की बात की थी, ये वो तमाम डिजीजेज हैं जो वायरस से फैलती हैं. इसके अलावा बुक के पेज पर हमने और कुछ डिजीजेज की बात की थी, जैसे कि मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, इस तरह की कुछ मजीद डिजीजेज के बारे में हमने पढ़ा था जो कि हम इस आंसर में लिखेंगे. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस को रिकॉल किया और अपने कंसेप्ट्स को रिवाइज किया. आपने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझा है और याद किया है. अब आपने इन क्वेश्चंस को भी याद करना है और इनको अच्छे तरह से अपने जहन में कंसेप्ट बिठाना है. हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और कुछ मज़ीद कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू. अल्लाह हाफिज़.